हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों में हमारी त्वचा की देखभाल के लिए हम तरह तरह के नुस्खे अपनाते हैं, तरह तरह के DIY ब्यूटी कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी त्वचा की सही से जानकारी नहीं है कि जैसे कि हमारी त्वचा ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, तो हमें इन चीज़ों का नुकसान भी होता है, यानी कि ये चीज़ें हमारी त्वचा को नुकसान भी पहुंचाती हैं। तो आज की मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि हमें कौन सी स्किन वालों को कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खासतौर से ड्राई स्किन वालों को कौन सी चीजों से बचना चाहिए विंटर्स में। तो यही सब चीजें मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दें। आज की टिप बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, सीरियसली गाइस। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे ड्राई स्किन वालों को हमेशा दूर रहना चाहिए विंटर्स में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो हमें अपने ड्राई स्किन पर यूज नहीं करने चाहिए। आमतौर पर महिलाएं अपनी स्किन को साफ सुथरा और मुलायम बनाए रखने के लिए काफी ध्यान देती हैं, लेकिन सर्दियों में ड्राई स्किन वाली महिलाओं को कुछ ज्यादा ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि सर्द मौसम में ठंडी हवाओं के असर से स्किन तेजी से ड्राई होती है और स्किन पर फ्लेक्स बनने लगते हैं, त्वचा मुरझाई हुई सी और बेजान नजर आने लगती है। बहुत सी महिलाएं अपनी स्किन को कोमल और खूबसूरत बनाने के लिए घरेलू नुस्खे भी आजमाती हैं। आमतौर पर किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले कुदरती तत्व स्किन के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। इनमें शामिल है शहद, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी जैसी चीजें सदियों से स्किन केयर के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। लेकिन कुछ कुदरती तत्व ऐसे भी हैं जो सर्दियों में ड्राई स्किन के लिए फायदेमंद नहीं होते। जब आप स्किन केयर के लिए सामग्री चुनती हैं तो आपको अपनी उम्र, मौसम और स्किन टाइप का जरूर ध्यान रखना चाहिए। कुछ तत्व जैसे कि शहद और हल्दी सर्दियों में त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। ड्राई स्किन वालों को कुछ तत्व सूट नहीं करते हैं और इसलिए किसी भी तरह के फेस पैक में उन्हें इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो तत्व कौन से हैं। पहले नंबर पर यहाँ पर बात कर लेते हैं खीरा। खीरा गर्मियों में ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन सर्दियों में यह तत्व भी ड्राई स्किन वालों को सूट नहीं करता है। दरअसल खीरा स्किन के कुदरती ऑयल को खत्म कर देता है और आंखों के नीचे के हिस्से में ड्राइनेस और भी ज़्यादा नजर आती है, जिससे आपको आंखों के नीचे फाइन लाइंस और रिंकल्स होने की संभावना बन जाती है। नींबू विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसलिए इसे स्किन केयर में काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। लेकिन सर्दियों में ड्राई स्किन वाली महिलाओं को नींबू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि नींबू काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है और इससे स्किन की ड्राइनेस और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। ड्राई स्किन पर सर्दियों में नींबू का रस लगाने से रैशेज हो सकते हैं और जलन का एहसास हो सकता है, इसलिए आपको ड्राई स्किन पर नींबू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं चावल का आटा। माना जाता है कि चावल के आटे में त्वचा की कसावट बनाए रखने वाले कुदरती तत्व पाए जाते हैं और इसलिए इसके इस्तेमाल से त्वचा जवान नजर आती है। लेकिन सर्दियों में ड्राई स्किन वाली महिलाओं को इसका फायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये तत्व भी त्वचा की कुदरती नमी छीन लेता है। इसके असर से ड्राई स्किन खिंची खिंची सी महसूस होती है। इसकी वजह से त्वचा पर लाइंस और झुर्रियां भी नजर आ सकती हैं, जिससे चेहरे की खूबसूरती कम हो जाती है। अब बात करते हैं चने का आटा। चने का आटा फेस पैक, बॉडी स्क्रब और कई तरह के उपटनों में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि यह स्किन के डेड सेल्स को भी हटाने में बहुत हेल्प करता है, लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि सर्दियों में त्वचा को मॉइस्चराइज रखने की ज़रूरत होती है और चने की वजह से स्किन का मॉइस्चर खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमें ड्राई स्किन पर चने का आटा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चने का आटा हम गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारी स्किन को बहुत ही फायदा पहुँचाता है, लेकिन हमें सर्दियों में इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। तो देखा दोस्तों आपने कि अगर आप इन पांच चीज़ों को इस्तेमाल ना करें विंटर्स में, तो आपकी त्वचा और भी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनेगी। और कुछ अगर ऐसे फेस पैक वगैरह आप देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे शेयर किए हुए हैं। विंटर्स फेस पैक भी शेयर किए हुए हैं, विंटर स्क्रब भी शेयर किया हुआ है। अगर आप और भी DIY फेस पैक देखना चाहते हैं तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे, मैं जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो, मेरे टिप्स कैसे लगे। और हाँ दोस्तों, मेरी इस वीडियो को दूसरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके और वो भी अपनी त्वचा की सही से देखभाल कर सके। और गाइस, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर, DIY हेयर डन, खीरा पैक और अंडर आर्म्स क्लीनर भी शेयर किया हुआ है। तो प्लीज गाइस, मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और सभी सोशल मीडिया के लिंक्स आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।